जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है पुलिस वेरिफिकेशन पे। दोस्तों दो चार चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, मैं एक दो वीडियो पहले भी बनाया हूँ, एक बार और बना रहा हूँ। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है पुलिस वेरिफिकेशन से, वो और पुलिस वेरिफिकेशन आप दोनों को एक समझ रहे हो, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, किस एड्रेस पे होगी, और आप अभी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हो उसका क्या महत्व है, उससे क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी, उसका क्या मतलब महत्व रहेगा। तो ये पूरा का वीडियो आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होगी, कैसे होगी। आपको कोई डाउट रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन संबंधी तो इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेने चाहिए लेके जाने उसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, और कोई जो भी सामान आपको लेके जाना उसके बारे में मैंने डिटेल दे दी। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, ताकि फिर इधर आप आके कमेंट करें, नहीं तो वीडियो देखे बिना आप कमेंट करोगे तो फिर वही बात है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या सामान जरूरी है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, तो वो एक बार आप जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा 5-7 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं ले रहा मैं इस वीडियो में भी। 5-7 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों अभी जो आप सर्टिफिकेट बनाओगे पुलिस से, ये कैसे बनेगा, तो इसमें कैसे बनेगा इसके बारे में मैंने वीडियो वैसे बनाया, लेकिन एक छोटा मोटा रिपीट दे देता हूँ। तो इसमें क्या कि साइबर कैफे वाले के पास, जब हमारे समय में हुआ तो साइबर कैफे वाले के पास जाना, उसको बोलना मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करो, आपको सर्टिफिकेट लेके जाना, वो अपने आप वहाँ पर ऑनलाइन आपकी भेजते हैं डिमांड, ये बंदा है, इसका ये प्रकार है, इस प्रकार के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो वहाँ पर भेजते हैं। फिर आपको वहाँ जाना होता है और वहाँ पर जाके वो सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो 5 या 10 दिन में आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्लियर होता है कि हाँ भाई इस बंदे पे कोई भी केस पुलिस कार्रवाई नहीं, कोई भी केस से इसको कोर्ट से केस नहीं। अगर किसी को पुलिस केस है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उससे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पुलिस जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको कोर्ट से कोई भी पनिशमेंट नहीं होना, या आप पे कोई ऐसी कोई धाराएं चल रही है जिसके अनुसार आपको कोर्ट केस हो सकता है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, मतलब पनिशमेंट हो सकता है, तो वो परेशानी नहीं। तो बाकी आपको वहाँ से चेक कर लिया जाता है आपकी पूरी डिटेल, अगर आप क्लियर है तो वो सर्टिफिकेट आपको 5 से 6 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो पहले तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद में ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो SDM से बनता है, उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको उसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है, वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक ऐसा गवाह लेके जाना जो आपको भी जानता हो और SDM साहब उनके पद को भी जानते हो, उस आदमी को जाने नहीं जाने लेकिन उसके पद को जानते हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट अगर पद अधिकारी, अगर सरपंच है, या अगर कोई चेयरमैन है नगर पालिका, या कोई पार्षद है, या कोई टीचर है, तो उनको लेके जाइए, वो साइन कर देंगे, 2 मिनट में आपका वो बन जाएगा, उसमें ज़्यादा परेशान होने की चिंता नहीं। अब आते हैं पुलिस वेरिफिकेशन कब होती है और उसमें क्या क्या होता है। दोस्तों जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो होगी आपकी ज्वाइनिंग करने के 5 से 6 महीने बाद में, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद में होती है। पहले होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद में फिर होती है पुलिस वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट जो आप 10th क्लास की मार्कशीट जमा कराओगे, जो मूल निवास जमा कराओगे, पहले गवर्नमेंट इनको वेरीफाइड करती है कि ये रियल है या नहीं। तो 10th क्लास मार्कशीट वेरीफाइड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र वेरीफाइड, फिर उसके बाद में पुलिस को वो इंक्वायरी देती है कि भाई इसकी जो आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजा है, क्या वास्तविक में इसने पुलिस से बनवाया है या कहीं नकली बनवा लिया, या जो इसने मूल निवास लगाया क्या ये वहीं का नागरिक है या कहीं अदर स्टेट का वहाँ का लगा दिया। तो दोस्तों ये चेक होती है। तो फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका पूरा नाम, नंबर, टोटल डिटेल पुलिस के पास में आती है और वेरीफाइड करते हैं कि इसने जो परमानेंट एड्रेस दिया है क्या ये वहीं का नागरिक है या नहीं है। परमानेंट एड्रेस पर आपकी पुलिस वेरीफिकेशन होगी, परजेंट एड्रेस पर भी हो सकती है, दोनों एड्रेस पर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस रहते हैं परमानेंट एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो वो होगी परमानेंट एड्रेस पे। परमानेंट एड्रेस पे इसलिए होगी क्योंकि आपने किस वजह से नौकरी लगी, आप परमानेंट एड्रेस के आधार पर नौकरी लगे हो ना, तो वेरीफाइड ही हुई होगा, परजेंट तो आपका चेंज होता रहेगा, तो आपको वहाँ वेरीफाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमानेंट तो परमानेंट रहेगा तो वहाँ पर वेरीफाइड होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके वहाँ पर जाया जाएगा, आपके घर में देखा जाएगा कि यहीं का नागरिक, आपके आसपास के गांव के बंदों से उनको गवाह के रूप में उनका साइन लेंगे, साइन लेके उनको ये बताया जाएगा कि हाँ यहीं का नागरिक है, आपकी पूरी डिटेल वहाँ पर सबमिट कर दिया, यहीं का नागरिक है, इसने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमसे बनवाया वो अप्रूव करेंगे कि हाँ ये सर्टिफिकेट हमने बना के दिया है, बिल्कुल अप्रूव्ड का वो सील मार के। फिर वहाँ से जो आपके गाँव के जो बंदे होते हैं या जिनसे आसपास से वो पुलिस पर डिपेंड करता है, वो किनसे आपके साइन लेते हैं, उनसे साइन लेके कि हाँ भाई यहीं का बंदा है, इसका मूल निवास भी सही है और पुलिस वेरिफिकेशन भी इसकी बिल्कुल राइट है, ये अप्रूव्ड है, वो वापस भेज देते हैं। इस प्रकार से होती है पुलिस वेरिफिकेशन। कई बार पुलिस वेरिफिकेशन अगर रुक जाती है,
उसके बताता हूँ कारण। होता क्या कि आप जो परमानेंट एड्रेस देते हो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है आपकी वजह से, या कोई पिन कोड की वजह से थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। तो एक बार में नहीं होती, तो दोबारा में होती है। आपसे पूछा जाता है वापस, आपके पास में रिकॉल आता है कि भाई इस बंदे की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही। तो आप ट्रेनिंग में रहोगे तो आपसे वहाँ से पूछी जाएगी क्यों नहीं हो रही, क्या रीज़न है, आपसे पूछा जाएगा। आप वापस बताओगे उनको कि भाई ये रीज़न है, ऐसे ऐसे मिस्टेक हो रखी। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाओगे तो फिर उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मूल निवास आप दे रहे हो तो उसमें आप वहाँ के नागरिक हो ही हो। अब ये जरूर नहीं कि आप वहाँ रह रहे हो, प्रेजेंट टाइम में आप कहीं पर भी रहो, लेकिन वहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई 20 साल पहले ये इनका मतलब कुछ तो नहीं घर है, यहाँ पर ये घर बार है इनका, ये यहाँ का मूल निवास है, वो क्लियर हो जाता उससे। तो ये होता है बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर जिनकी रुक जाती है उनके लिए कि परमानेंट एड्रेस पे होगी, फिर प्रेजेंट एड्रेस पे उनके हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस क्या होता है कि बार बार चेंज होता है। तो परमानेंट एड्रेस पे एक बार पुलिस वेरिफिकेशन 100% होगी। अगर रुक जाती है तो आपको वापस, जैसे मैंने बताया रिकॉल आएगा, वहाँ पर आप वापस सही कर सकते हो कि ये मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से नहीं हुआ, तो आपको एक मौका दिया जाता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होती है। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आप फंस गए तो आपको नौकरी से बाहर कर देंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन कोई ऐसी चीज़ की होती नहीं जिसमें आप फंसोगे। पुलिस वेरिफिकेशन एक तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की होती है जो आप पुलिस से बनवाते हो, दूसरी आपके मूल निवास की होती है, और इसके अलावा और पुलिस वेरिफिकेशन होती किसकी है भाई? कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पुलिस से ही बनाओगे, वो अप्रूव्ड हो जाएगा, इसका मतलब आप पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है या कोर्ट से कोई केस ही नहीं है, तो आप इसमें फंसोगे नहीं। मूल निवास तो आप दे ही रहे हो तो वहाँ के नागरिक को, तभी तो आप आपके पास में वहाँ का मूल निवास है। तो मूल निवास अगर आप दे रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, तो उसमें तो फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें आप फंस जाओगे। कोई मतलब 100% कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें आप फंस जाओगे। तो इसलिए उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग जो आपको कुछ बोलते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में फंस जाओगे या पुलिस वेरिफिकेशन में ये हो जाएगा या आप पे कोई केस कर देगा तो आप मतलब फंस जाओगे। अगर कोई केस भी कर देगा तो भी उससे आप पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं फंसोगे। पुलिस वेरिफिकेशन आपकी इस चीज़ की नहीं होती कि आप पे केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप पे इस बात की होती है पुलिस वेरिफिकेशन कि आपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया वो सही है या नहीं। दूसरा आपका मूल निवास है, आप वहाँ के नागरिक हो नहीं, आपके घर बार में जाके देखे जाते हैं कि इनका घर बार यहाँ है या नहीं। कई बार क्या होता है कुछ लोग झूठे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं दूसरे स्टेट के, वो वहाँ के नागरिक नहीं होते, तो उनको इसमें परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आपको तो कोई परेशानी होगी, तो पुलिस वेरिफिकेशन में फंसने का कोई सवाल पता नहीं। अब आपके ज्वाइनिंग करने के बाद में अगर आप पे कोई केस कर देता पीछे से, जैसे कईयों को होता परिवार में, कईयों की शादीशुदा जिंदगी में ऐसी परेशानी आ जाती है, तो केस करने से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई करता तो करने दो, ठीक है, उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन आपकी उस चीज़ की नहीं होती कि आप पे कोई केस कर दिया नहीं कर दिया, इस चीज़ की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। इसके SPG में जाते हो ना तब होती है कि इस पे कोई केस तो नहीं है, इसके परिवार पे कोई केस तो नहीं है, ये SPG के रूल है। जब आप SPG में जाओगे ना तब आपके परिवार की, आपकी सिस्टर के फैमिली की, आपके जितने रिश्तेदार उनकी फैमिली तक के पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो इस समय आपकी वो इस प्रकार की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ही चिंतित नहीं होना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसमें भी जैसे ज्वाइनिंग लेटर है उसमें ये पॉइंट नहीं लिखे हुए थे, लेकिन ये खास बात है इसलिए मैं बताया आपको। परमानेंट जो एड्रेस है उस पर जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप फिर भी आप परमानेंट एड्रेस पर या पुलिस का आपको कॉल आए, आपको भी आ सकता है, आपके परिवार में किसी को आ जाए, तो उस समय आपकी वेरीफाई हो जाएगा, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन होगी, चिंता ना करें पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, बिल्कुल 1% भी चिंतित ना हो दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।